हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। वर्ड से ही पता चल रहा है हेरिडिटरी मतलब इनहेरिटेंट, इंट्रेंसिक। अच्छा जी, और स्पीरोसाइटोसिस मतलब क्यों? आरबीसी नॉर्मल डिस्क शेप जो है वो स्पीरोसाइट बन रहा है, स्पेरिकल बन रहा है, शेप चेंजेस आ रहे हैं आरबीसी में। अब शेप चेंजेस क्यों आ रही है? हमारे पास डिफेक्ट इन द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो डिस्क शेप को मेंटेन नहीं कर सकता, और जब मेंटेन नहीं कर सकता तो वो स्पीरोसाइट बन जाता है, स्पेरिकल बन जाता है। जब स्पेरिकल बन जाता है, देखिए जी, ये क्यों स्पेरिकल बनता है? क्योंकि हमारे पास मेम्ब्रेन में ऐसा डिफेक्ट होता है ना कि वो नॉन डिफॉर्मेबल होता है। ये क्यों होते हैं? नॉन डिफॉर्मेबल सेल होते हैं। आरबीसी जो है नॉर्मली वो क्या कर देता है, वो बहुत ज्यादा अपनी मेम्ब्रेन में चेंजेस लेके ऐसा, तो बड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। जब वो स्प्लीनिक कॉर्ड से गुजरता है ना, तो उसके जो मेम्ब्रेन है ना वो उसको डिफॉर्मेबल कर देता है, और फिर दोबारा से वो अपनी शेप अटेन कर देता है। लेकिन जब भी वो स्प्लीनिक कॉर्ड से गुजरता है ना, तो अपनी मेम्ब्रेन में अपनी शेप में चेंजेस करता है। लेकिन यहां पर मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट है, वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आ सकता, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है, एंड फाइनली इट लीड्स टू स्पीरोसाइटोसिस। देखिए जी, ये जो है हमारे पास दो फॉर्म्स में है, एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। इन दो फॉर्म्स में इनहेरिट हो सकती है। जो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, दिस इज वेरी सीवियर फॉर्म। ये जो है बहुत माइनॉरिटी में होती है, लेकिन बड़ा रिसेसिव जो है, रिसेसिव ये बड़ा डेंजरस है। देखिए जी, हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो पैथोजेनेसिस में क्या है, सिंपली मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये एक इनहेरिटेंट डिफेक्ट है, जिसमें मेम्ब्रेन की साइटोस्केलेटन जो है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, मेम्ब्रेन की साइटोस्केलेटन जो है वो इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर जो है वो हमारे पास अपनी जो नॉर्मल इंटीग्रिटी है वो नॉर्मल नहीं रख सकता। देखिए जी, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। देखिए जी, हम पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, लेकिन पैथोजेनेसिस के लिए ये डायग्राम समझना बहुत लाजमी है। देखिए जी, ये हमारे पास एक नॉर्मल आरबीसी है, जिसको हमने बीच में से काट लिया है, और आप लोग देखेंगे ना, तो इसका जो सेंटर होता है ये जरा सा इस तरह डोनट शेप होता है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा और ये जो है ये उभरा हुआ है जिसकी साइड से। अब हमारे पास देखिए जी, ये फाइनली स्पीरोसाइट बन गया है। अब ये क्यों स्पीरोसाइट बन गया? देखिए जी, ये नॉर्मल है, ये स्पीरोसाइट है, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अब ये किस तरह स्पीरोसाइट बन गया? तो देखिए जी, हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको जूम किया गया है, देखो जी इस डायग्राम में। अब इसको जूम करके हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए जी लिपिड वाइलर ये मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन की साइटोस्केलेटन है, ये मेम्ब्रेन की साइटोस्केलेटन है। तो असल डिफेक्ट जो है ना, वो इस साइटोस्केलेटन के अंदर आता है, और साइटोस्केलेटन जो होता है ये डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसमें हमारे पास 4.2 बैंड 3 स्पेक्ट्रिन एनकाइरिन, ये देखिए जी ये एनकाइरिन, बहुत ज्यादा प्रोटीन है। लेकिन स्पेशली इंपॉर्टेंट आप लोगों ने कौन कौन से याद रखने हैं? स्पेक्ट्रिन याद रखना है, एनकाइरिन याद रखना है, एंड बैंड 3। इन तीनों प्रोटीन जो है, ये तीन प्रोटीन SAB, अच्छा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इनमें डिफेक्ट आएगा तो फिर लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन जो है ना, ये अपनी इंटीग्रिटी बरकरार नहीं रख सकता, और ये बल्ज आउट करता है, इस तरफ बाहर की तरफ जाता है ना। अगर अंदर की तरफ ये एक पकड़ा हुआ है ना इसने साइटोस्केलेटन ने, और अगर साइटोस्केलेटन में डिफेक्ट आ गया तो ये बल्ज आउट कर जाएगा। तो देखिए जी, ये इस तरह बल्ज आउट करता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी चला जाता है, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर, और यहां से ये जब भी हमारे पास स्प्लीन से गुजरता है ना, तो स्प्लीन इससे ये जो साइड्स है ना, डिफेक्ट आरबीसी में आएगा तो वो डिफेक्ट स्प्लीन रिमूव करेगा। तो जितना ये ओल्ड होता जाएगा, जितना एक सेल एक दफा गुजरा, दूसरी दफा गुजरा, आरबीसी की नॉर्मल लाइफ स्पेन 120 डेज होती है ना, तो जितना उसकी टाइम जो है, अगर 100 डेज है तो उतना ज्यादा जो है वो स्पीरोसाइट्स बनता है। जो हमारे पास फर्स्ट टाइम बना होता है तो वो इतना डिफेक्टिव नहीं होता, लेकिन जितना एज गुजरता है उसका आरबीसी का, तो उतना स्प्लीन जो है हर एक दफा थोड़ा थोड़ा सा काका के ना उसको स्पीरोसाइट बना देता है। तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के पैथोजेनेसिस में आप लोगों ने क्या याद रखना है? म्यूटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रिन एनकाइरिन एंड बैंड 3। अच्छा जी, म्यूटेशन इन द स्पेक्ट्रिन एनकाइरिन एंड बैंड 3 व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द स्पीरोसाइटोसिस शेप या स्पेरिकल शेप ऑफ आरबीसी। देखिए जी, पैथोजेनेसिस जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया है, वहां पर दोबारा से वो सारी बातें लिखी है कि इनहेरिटेंट डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन, अच्छा जी, जिसकी वजह से लिपिड बायलेयर जो है वो अपनी स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रख सकता, स्पेक्ट्रिन बैंड 3 एंड एनकाइरिन। देखिए जी, एनकाइरिन बैंड 3 एंड स्पेक्ट्रिन, इसकी म्यूटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पैथोजेनेसिस। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर इन तीनों में जो है डिफेक्ट है, म्यूटेशन है, तो जो वर्टिकल इंटरेक्शन है आरबीसी मेम्ब्रेन का, वो नहीं रख सकता और वो बल्ज आउट कर जाता है। इसकी वजह से हमारे पास शिड द मेम्ब्रेन एंड लिटल साइटोप्लाज्म जो है वो लॉस हो जाता है इस प्रोसेस में, पूरी ये सारी बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखा है कि अगर हम क्या करें, हम स्प्लीनेक्टोमी करें। अब हमारे पास देखिए जी, स्पीरोसाइट्स में कोई दूसरा मसला नहीं है। देखिए जी, अगर मेरे पास एक स्पीरोसाइट है, देखिए जी ये स्पीरोसाइट है, अब ये भी उसी तरह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कोई मसला नहीं है, इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इजिली कर सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लॉस हो रहा है, आरबीसी की एक्चुअल लाइफ स्पेन कम हो रही है। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोस में क्या हो रहा है, अगर आरबीसी ने 120 दिनों में मरना है, तो अब वो 100 दिन में मरता है, 30 दिन में मरता है, उसकी लाइफ स्पेन कम हो रही है। तो हमारे पास जो है हीमोलिटिक या हीमोलिसिस हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, जहां पर इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, जहां पर इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो डिस्ट्रक्शन वाली एरिया हम खत्म कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। लेकिन स्प्लीनेक्टोमी जो है, वहां पर स्प्लीन जो है ना, एक इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन है इम्यून सिस्टम का, तो वो जो है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। बाकी ये डिफेक्ट जो है, ये इसके साथ स्प्लीनेक्टोमी के साथ ठीक हो जाता है। यहां पर दोबारा से वही बात लिखी है कि हमारे पास डिस्क शेप, प्लॉफी डिस्क शेप नॉर्मल रेड ब्लड सेल का होता है, और वो अपनी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आता है जब ये स्प्लीनिक कॉर्ड से गुजरता है। लेकिन अगर साइटोस्केलेटन नॉर्मल नहीं है, मेम्ब्रेन बल्जिंग है, तो अपनी चेंजेस नहीं ला सकता वो अपनी शेप में, जिसकी वजह से मैक्रोपेजेस, स्प्लीनिक मैक्रोपेजेस जो है वो उसको खा लेते हैं।
अच्छा जी, अब हम ब्लड स्मेयर देखते हैं ना, ब्लड स्मेयर ऑफ द हेरिडिटरी स्पायरोसाइटोसिस पेशेंट का हम ब्लड स्मेयर देखते हैं, तो इसके आरबीसी, लेट्स सी। देखिए जी, हमारे पास एक तो आप लोगों को डिफरेंट साइजेस के आरबीसी नजर आएंगे, जितना छोटा साइज वाला आप लोग को नजर आएगा ना, तो वो आप लोग का ओल्ड होगा। ओल्ड मतलब इसने ज्यादा दिन गुजरे हैं इन द ब्लड वेसल। क्यों? क्योंकि इसने जो है अपनी ज्यादा मेम्ब्रेन लॉस की है, बार बार ये स्प्लीन से गुजरता है तो इसकी मेम्ब्रेन हमारे पास खा जाती है ना, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी लॉस हो जाता है जब ये एक दफा राउंड करता है। तो जितना ज्यादा राउंड ओल्ड होगा तो इतना छोटा होगा साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन इसने लॉस की है। देखिए जी, दूसरा हमारे पास ये यंग है जो साइज का बड़ा है, तो ब्लड स्मेयर में तो एक तो आप लोग को डिफरेंट साइजेस के आरबीसीज नजर आएंगे, जिसकी वजह से आरडीडब्ल्यू जो है वो बढ़ जाता है। आरडीडब्ल्यू मैंने पिछले लेक्चर में बड़ा एक्सप्लेन किया था कि ये जो है स्पेक्ट्रम ऑफ साइज होता है। अच्छा जी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में मैंने आरडीडब्ल्यू को बहुत एक्सप्लेन किया था। देखिए जी, ब्लड स्मेयर में हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है होवेल जोवेल बॉडीज। ये देखिए, होवेल जोवेल बॉडीज आप लोग को नजर आएंगे। व्हाट इज होवेल जोवेल बॉडीज? देखिए, ये हमारे पास आरबीसी है, इससे हमारे पास नॉर्मली जो है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है वो रिमूव किया जाता है। अच्छा जी, नॉर्मली विचेवर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये स्प्लीन जो है ना वो रिमूव करता है। लेकिन अगर हमारे पास ए स्प्लीनिक पेशेंट है तो उसके तो आरबीसी ए स्प्लीनिक पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर रेमिनेंट्स जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, और इन न्यूक्लियर रेमिनेंट्स को हम होवेल जोवेल बॉडीज कहते हैं। तो व्हाट इज होवेल जोवेल बॉडीज? दे आर स्मॉल न्यूक्लियर रेमिनेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल ऑफ ए स्प्लीनिक पेशेंट। अच्छा जी, अच्छा जी, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस वाले पेशेंट में, कि हमारे पास ये देखिए जी, ये अगर नॉर्मल रेड ब्लड से लेना तो इसका जो सेंटर होता है ये पेलर होता है, क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो कंसेंट्रेटेड इन द पीरीफ्री, पीरीफ्री में ज्यादा होता है और सेंटर में कम होता है, तो इसलिए सेंटर जो है ना वो पेलर कलर का होता है और साइड जो है वो बड़े रेड कलर के। लेकिन इन पेशेंट्स में हमारे पास मोस्टली जो है ना, ये देखिए जी, मोस्टली आरबीसी जो है, देखिए जी, बिल्कुल कंसेंट्रेटेड हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो बड़ा कंसेंट्रेटेड हो गया है, सेंट्रल पेलर जो है वो खत्म हो गया है। सो दीज पेशेंट लैक द सेंट्रल पेलर। देखिए जी, अगर आप लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी में वही बात है, स्मेयर में आप लोग को स्पीरोसाइट्स नजर आएंगे, डार्क रेड होंगे कलर में और लेग्स सेंट्रल पेलर। अच्छा जी, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में हमने जो है होवेल जोवेल बॉडीज का जिक्र किया जो कि हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर रेमिनेंट्स हैं। इसके अलावा ये पेशेंट जो है स्प्लीनोमेगैली होती है। क्यों स्प्लीनोमेगैली होती है? क्योंकि अगर स्प्लीन ओवर फंक्शन कर रहा है, बार बार खा रहा है, बार बार ओवर यूज हो रहा है, तो स्प्लीनोमेगैली जो है आ जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास हिमालिसिस जारी है, चूंकि हिमालिसिस जारी है जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, तो देखिए जी, कोलीथियसिस भी इन पेशेंट में आ जाता है 40 to 50% ऑफ द पेशेंट में। अच्छा जी, अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। आप लोग को एक सिनेरियो दी जाती है, वो क्लिनिकल फीचर में से दी जाती है कि देखिए जी, आपको एक पेशेंट आ गया, वो क्या है, वो एनीमिक है, स्प्लीनोमेगैली हुई है, इसमें जंडस भी है, रीजंस मैंने आप लोग को सारी बता दिए ना, तो जंडस है, स्प्लीनोमेगैली है, एनीमिक भी है, उसमें जो है बॉडी हिमालिसिस हो रहा है, बिलिरुबिन भी हाई है। सो इन पेशेंट्स को जो है कौन सा बीमारी है, तो आप लोग हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हम इसके लिए फिर क्या करते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, इस ये टेस्ट कैसे होता है, देखिए, लेट्स सी। देखिए जी, हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है जिसको हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। अच्छा जी, हाइपोटोनिक और ये हाइपर है, तो हमारे पास वाटर हाइपर की तरफ जाता है क्योंकि यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर इसके अंदर जाएगा। अगर ये स्पिल स्पीरोसाइट है, देखिए जी, स्पीरोसाइट है, तो इसकी जो है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, बड़ा फ्रेजाइल होता है और ये लाइस कर जाता है। तो ये हमारे पास क्या, हमें पता चले कि पेशेंट की जो आरबीसी है वो लाइस कर रही है बहुत इजीली बिकॉज ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसको हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कहते हैं। अच्छा जी, बाद अवकात जो है इन पेशेंट्स में हमारे पास एक प्लास्टिक क्राइसिस आती है। व्हाट इज ए प्लास्टिक क्राइसिस? की हमारे पास पार्वो B19 इन्फेक्शन, पार्वो वायरस B19, ये ऐसा होता है ना कि हमारे पास ये वायरस अटैक करता है इन द एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट पे अटैक करता है और 10 to 14 days तक ये, अब देखिए जी, हमारे पास पीरीफ्री में हिमालिसिस हो रही है और जहां से हमारे पास रेड ब्लड सेल बन रहे हैं एरिथ्रोब्लास्ट, वहां पर आपने इन्फेक्शन काज कर दिया, तो ये 10 to 14 days में जो है आपने आरबीसी की जो क्राइसिस आती है उसको ए प्लास्टिक क्राइसिस कहते हैं। और देखिए जी, अगर नॉर्मल पेशेंट में, अगर नॉर्मल पर्सन में, अगर मेरी बॉडी में हो रहा है, नॉर्मल मेरे बॉडी में पीरीफ्री में कोई मसला नहीं है, सो इट्स ओके, 10 to 14 days ये एरिथ्रोब्लास्ट पे अटैक करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस वाला पेशेंट है या फिर जहां बाहर पेरिफेरी में आपके पास हिमालिसिस हो रही है और उस पर अटैक करेगा, तो ये फिर बड़ा प्लास्टिक क्राइसिस काज कर सकता है। अच्छा जी, और ये 10 to 14 days तक आप पेशेंट को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें ताकि वायरस का असर खत्म हो जाए, तो फिर इतना ज्यादा डिफेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, देखिए जी, ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें नो स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये वायरस जो है ये अटैक करता है ना प्रीकर्सर्स पर, तो फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। बाकी इसके अलावा जो है स्प्लेनेक्टोमी एक अच्छा ऑप्शन है जिसकी वजह से आरबीसी की डिस्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन स्प्लेनेक्टोमी के साथ और भी बड़े सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी जो है वो भी की जाती है स्पेशली इन चिल्ड्रंस, लेकिन देखिए जी, अगर ये पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी करते हैं ना, तो बाकी स्प्लीन जो है दोबारा से अपने आप को रीजनरेट करता है और दोबारा से जो वो है हमारे पास हिमालिसिस का प्रसार वो तेज हो जाता है।
देखिए जी, मैं पूरी की पूरी जो है रेडियल स्पीड साइटोसिस को एक मिनट में जल्दी जल्दी से डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास देखिए जी साइटोस्केलेटन में डिफॉर्मिटेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने शेप के अंदर चेंजेस नहीं ले जा सकता और स्प्लीनिक कार्ड में गिरफ्तार होकर वो उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। फिर हमने इसकी ब्लड स्मेयर पड़ी, ब्लड स्मेयर में हमने क्या पढ़ा कि हॉल जोविल बॉडीज होती है, साथ में जो ओल्ड होते हैं वो स्मॉल होते हैं, यंग होते हैं वो बड़े होते हैं। अच्छा जी, फाइनली हमने क्या किया कि क्लिनिकल फीचर में किस प्लेनो में गिली होती है, जंडस होता है, एनीमिया होता है, ऑस्मोटिक प्रेजिलिटी टेस्ट हमने पढ़ा। अच्छा जी, अगर पायरो वायरस अटैक करता है इस पेशेंट पर तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। फाइनली हमने क्या पढ़ा कि इससे हमारे पास कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में तो कोई मसला ही नहीं है स्पेरोसाइट में, लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो डिस्ट्रक्शन के लिए हम स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। अगर हम पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद जो है ये रिजेक्टेड पार्ट इविजनली दोबारा से अपनी साइज वो रिगेन करेगा और पेशेंट को जो है दोबारा से हेमोलिटिक एनीमिया के चांसेस आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू जी।